नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं समझाने वाला हूँ टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑल मशीन टूल। जी हाँ दोस्तों, मशीन टूल टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये सभी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे ऑल मशीन टूल में लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सेपर मशीन एंड मिलिंग मशीन, ये चार मशीन्स के प्रकार एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फर्स्ट है लेथ मशीन। लेथ मशीन का क्या स्पेसिफिकेशन होता है इसके बारे में देखेंगे। लेथ मशीन जो है इसका स्पेसिफिकेशन, लेथ मशीन में एक तो होती है लेंथ ऑफ द बेड। लेंथ ऑफ द बेड मीन्स बेड की जो लंबाई है वो जितनी अधिक होगी उतने अधिक से अधिक लेंथ के वर्क पीस को हम इस पे क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द बेड। सेकंड पॉइंट इसमें स्पेसिफिकेशन में होता है हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम लेथ बेड। लेथ बेड से सेंटर की हाइट कितनी है, जितनी अधिक हाइट होगी उतने अधिक डाया के आपको इस पे हम लगा सकते हैं। तो हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम लेथ बेड। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ये रिप्रेजेंट करता है सेंटर के बीच का गैप, दोनों सेंटर के बीच का गैप जितना अधिक होगा उतना ज्यादा लंबाई के वर्क पीस को हम इस पे क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद स्विंग डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, कितने अधिक से अधिक व्यास के वर्क पीस को हम लेथ मशीन पे स्विंग करा सकते हैं, टर्न करा सकते हैं या लगा के काम कर सकते हैं। तो स्विंग डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। ओके दोस्तों, स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल की स्पीड कितनी है, मतलब हम कितने स्लो मशीन को चला सकते हैं, फास्ट चला सकते हैं, स्पिंडल की स्पीड कितनी है, 8 स्पीड है, 6 स्पीड है, 4 स्पीड है। जो अलग अलग पुली होती हैं, जो हम बेल्ट को ट्रांसमिट करके स्लो चलाना है तो हम छोटी बड़ी पुली पे यूज करते हैं, फास्ट चलाना है तो हम अलग अलग स्पिंडल स्पीड होती है। इसके बाद RPM, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर से घूम रही है हमारी स्पिंडल, ये सारे स्पेसिफिकेशन है जो लेथ मशीन के हैं। लेथ मशीन को हम इस पैरामीटर के आधार पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में सभी पैरामीटर्स रिप्रेजेंट हैं जो आपके यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में आते हैं। तो लेंथ ऑफ बेड, हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम लेथ बेड, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, स्विंग डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, स्पिंडल स्पीड, RPM। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों लेथ मशीन के टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ लेथ मशीन में यहाँ पे हम कुछ सिलेक्टेड टाइप्स की बात करेंगे। बेंच लेथ फर्स्ट होती है, एक होती है बेंच लेथ जो कि स्मॉल लेथ मशीन होती है जिसको हम प्लास्टिक वुड वर्किंग वगैरह में यूज करते हैं, जिसको हम बेंच पे माउंट करके उपयोग कर सकते हैं, तो बेंच लेथ होती है। सेकेंड होती है स्पीड लेथ, जिसमें स्पीड है, स्पीड बहुत हाई होती है, इसमें नॉन मेटेलिक मटेरियल प्लास्टिक वगैरह वुड वगैरह में यूज करने के लिए हम इसको कर सकते हैं उपयोग। स्पीड लेथ मीन्स इसमें स्पिंडल की स्पीड है वो RPM बहुत ज़्यादा रहेगा। इंजन लेथ या इंजन लेथ को हम सेकंड जानते हैं सेंटर लेथ। पहले जो इंजन लेथ थी, इंजन लेथ ऑपरेटेड बाय स्टीम इंजन, बट नाउ इट इज इंजन लेथ इज मॉडिफाई या चेंज इनटू सेंटर लेथ। तो मीन्स सेंटर लेथ इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, तो यहाँ पे सेंटर लेथ या इंजन लेथ होती है। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, तो जो फर्स्ट थ्री है दिस इज द लो प्रोडक्शन लेथ मशीन, एंड जो फोर्थ नंबर की है ये है मीडियम प्रोडक्शन लेथ मशीन, और फिफ्थ नंबर की है हाई प्रोडक्शन लेथ मशीन। तो यहाँ पे कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, इसमें टेल स्टॉक सेंटर लेथ का रिप्लेस हो जाता है हेक्सागोनल टरेट में, दैट कैन बी होल्ड 6 कटिंग टूल्स ऑन 6 एजेस या 6 फेसेस। ओके, ऑटोमेटिक लेथ, ऑटोमेटिक लेथ आल्सो नॉन एज CNC एंड NC लेथ मशीन। CNC मीन्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड NC मीन्स न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये हमारी लेथ मशीन के कुछ प्रकार हैं, बेंच लेथ, स्पीड लेथ, इंजन लेथ, कैप्स्टन टरेट लेथ, ऑटोमेटिक लेथ। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या है, हम ड्रिलिंग मशीन को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो ये होती है ड्रिलिंग कैपेसिटी। ड्रिलिंग कैपेसिटी ए MM में होती है, ड्रिलिंग कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी की ड्रिलिंग है हम होल बना सकते हैं एक साथ, 20 mm का, 40 mm का, तो ये ड्रिलिंग कैपेसिटी
स्पेसिफिकेशन में आती है स्पिंडल ट्रेवल, हाउ मैनी डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पिंडल अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट ड्यूरिंग वर्किंग, ये भी एक स्पेसिफिकेशन में आता है कि आपकी एक पर्टिकुलर ड्रिलिंग मशीन है उसकी स्पिंडल कितनी ट्रेवल कर सकती है, जिसके ऊपर ड्रिल चक माउंट है और चक के अंदर ड्रिल टूल माउंट है। नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड, हम स्पिंडल स्पीड को कितने नंबर ऑफ स्पीड में रोटेट करा सकते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ स्पीड है जो उस पर डिपेंड करती है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, हमको स्लो चलाना है फास्ट चलाना है, तो उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ स्पीड को चेंज कर सकते हैं। स्पिंडल स्पीड रेंज, स्पिंडल स्पीड रेंज मीन्स आरपीएम, आरपीएम भी है, रेंज ऑफ फीड, हम जो फीड देते हैं ड्यूरिंग वर्किंग मीन्स जब हम होल बना रहे हैं तो टूल को ड्रिल टूल को जितना आगे बढ़ाएंगे तो ये जो फीड होती है ये कितने रेंज की फीड होती है, हम सिर्फ मिलीमीटर में दे सकते हैं, एमएम पर रेवल्यूएशन में दे सकते हैं या ज़्यादा दे सकते हैं, तो रेंज ऑफ स्पीड भी ड्रिलिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन में आता है। इसके बाद ड्रिलिंग मोटर, जो हमारी मोटर लगी हुई है वो कितने हॉर्स पावर की लगी है, 5 HP की है, 10 HP की है या 7 HP की है, ये हमारा डिपेंड करेगा ड्रिलिंग मोटर की क्षमता के ऊपर। तो ये हमारा किसका स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। अब ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, ड्रिलिंग मशीन है जो एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होती है, इट इज आल्सो नोन एज हैंड ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल को ही हम हैंड ड्रिलिंग मशीन के नाम से जानते हैं, जिसको हम आसानी से कहीं भी ला सकते हैं ले जा सकते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, हैंड या पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। सेकंड होती है सेंस्टो ड्रिलिंग मशीन, या इसको बेंच ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। सेंस्टो ड्रिलिंग मशीन हल्की होती है, जिसको हम बेंच के नाम से जानते हैं, ये हमारे वर्कशॉप में लगी होती है या इसको हम बेंच पे भी माउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको बेंच ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। अपराइट ड्रिलिंग मशीन, एक होती है अपराइट ड्रिलिंग मशीन, जिसमें हम उसको ऊपर भी ले खिसका सकते हैं, कॉलम पर नीचे भी खिसका सकते हैं, अपराइट ड्रिलिंग मशीन ऊपर नीचे। तो एक है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग मशीन है, क्योंकि ये हैवी वेटेड वर्क पीस में काम करने के लिए उपयोग की जाती है, ऐसे वर्क पीस जिनको टेबल पे हम इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेड होते हैं, तो उसमें हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। तो गैंग में एक साथ साइड बाई साइड कॉलम होते हैं, एक ही वर्क टेबल पर मोर देन वन मशीन लगी होती है, जैसे 3 मशीन 4 मशीन, वर्क टेबल एक होगी लेकिन ड्रिल हेड अलग अलग होंगे और सभी में अलग अलग टूल लगे हैं, तो इसमें हमारा वर्क पीस का जो वर्क ट्रांसफर टाइम होता है कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो ड्यू टू प्रोडक्शन इज फास्ट, इसके कारण प्रोडक्शन है जो बढ़ जाता है। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, कहीं भी हमको सिमिलर प्रकार के ड्रिल करना होते हैं, कोई मेटलिक शीट है जिसमें एक ही सेम डाया कि हमको 10 होल बनाना है, तो हम मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन को यूज कर लेते हैं। डीप होल, बहुत ज़्यादा गहराई तक होल बनाना है तो भी यूज डीप होल ड्रिलिंग मशीन। तो ये यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ सेपर मशीन। जो सेपर मशीन होती है हम उसको कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ सेपर मशीन में दोस्तों द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक, हमारे स्ट्रोक की लेंथ कितनी है, जो हमारी रैम होती है जो रिसिप्रोकेट करती है, तो उसकी स्ट्रोक की लंबाई, रैम की लंबाई अलग स्ट्रोक की लंबाई, मींस ये हमारा एक पैरामीटर है जो स्पेसिफिकेशन में होगा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक अधिक से अधिक होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ड्राइव, टाइप्स ऑफ द ड्राइव, क्रैंक गियर या हाइड्रोलिक टाइप, जो हमारे ड्राइविंग टाइप है इस मशीन का वो इन 3 में से कौन सा है, क्रैंक गियर या हाइड्रोलिक। फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द मशीन, मशीन लगाने के लिए फ्लोर स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा, कितने स्पेस की आवश्यकता होगी, कितना एरिया चाहिए होगा जहाँ पर हम मशीन के लिए इंस्टॉल करेंगे। वेट ऑफ द मशीन मीन्स एक मशीन का वजन कितने टन का है, वेट ऑफ द मशीन, ये भी एक हमारा क्या है, स्पेसिफिकेशन का पैरामीटर्स होता है। फीड, हम कितनी फीड दे सकते हैं टूल के लिए, एक बार में हम कितनी दे सकते हैं, एमएम दे सकते हैं, 1 mm 2 mm, कितनी, हाउ मैनी फीड गिवन टू द कटिंग टूल विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, तो ये फीड भी स्पेसिफिकेशन में आएगा। कटिंग टू रिटर्न स्ट्रोक रेशो, इन दोनों का रेशो क्या है, कटिंग स्ट्रोक में कितना एंगल है, रिटर्न स्ट्रोक में कितना एंगल है, इन दोनों का अनुपात क्या है,
ये भी हमारा स्पेसिफिकेशन में होगा। एंगुलर मूवमेंट ऑफ द टेबल, जो स्वीपर मशीन के टेबल होती है उसको हम एंगुलर कितना मूव कर सकते हैं, कितना टर्न कर सकते हैं, तो ये एंगुलर मूवमेंट ऑफ द टेबल, ये हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा मशीन है जो स्पेसिफाई की जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्वीपर मशीन। स्वीपर मशीन कितने प्रकार की होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्वीपर मशीन। तो दोस्तों स्वीपर मशीन जो है, स्वीपर मशीन हमारी बेस्ड ऑन द ड्राइविंग मैकेनिज्म, यदि हम ड्राइविंग मैकेनिज्म के आधार पर बात करेंगे तो क्रैंक टाइप स्वीपर होती है और गियर टाइप स्वीपर होती है। यदि हम रैम के ट्रेवल के आधार पर बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बेस्ड ऑन द टेबल डिजाइन, टेबल के अनुसार बात करेंगे कि टेबल स्टैंडर्ड टेबल है या यूनिवर्सल टेबल है, तो यूनिवर्सल में हम इस टेबल को टर्न कर सकते हैं, एंगुलर डिफॉर्म कर सकते हैं, यूनिवर्सल टेबल में ऐसा नहीं होता है। बेस्ड ऑन द कटिंग स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो जो कटिंग स्ट्रोक के आधार पर बात करेंगे तो बेस्ड ऑन कटिंग स्ट्रोक, पुश टाइप या पुल टाइप, ये इस प्रकार की हमारी स्वीपर मशीनें जो होती हैं। तो ये स्वीपर मशीन का क्लासिफिकेशन, या हम इसको बोल सकते हैं टाइप्स या प्रकार हैं जो स्वीपर मशीन के इस प्रकार से होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके ये स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन को हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो मिलिंग मशीन का एक होता है साइज ऑफ दी वर्क टेबल, जिस टेबल के ऊपर हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं उसकी साइज छोटी है बड़ी है, छोटे वर्क पीस को होल्ड कर पा रहे हैं, बड़े को कर पा रहे हैं, अधिक डाया अधिक लेंथ, तो साइज ऑफ दी वर्क टेबल। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, हमारी जो ये होती है मशीन, इसमें जो हमारा टेबल होता है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट, जेड डायरेक्शन में मूवमेंट, तो ये तीन प्रकार के मूवमेंट होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्सिव और लॉन्गिट्यूडनल, तो इसको हम स्पेसिफिकेशन में लाते हैं। दूसरा रेंज ऑफ स्पीड, जो हमारी ये मिलिंग कटर होता है उसकी रेंज ऑफ स्पीड कितनी है, कितने स्पीड में हम चेंजेस कर सकते हैं कि एक ही स्पीड होती है। पावर कैपेसिटी ऑफ मोटर, जो हमारी मोटर है उसकी क्षमता क्या है, 5 HP, 10 HP, 12 HP, 15 HP या आपकी 7 HP, ये हमारी डिपेंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मशीन की कैपेसिटी या क्षमता के इतना अधिक फीड दे सकते हैं क्योंकि ये हैवी मोटर्स लगी हुई है। ओके, इसके बाद है टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन में यदि हम बात करें तो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट बुक नेट्स अलग अलग प्रकार की मशीन्स होंगे, लेकिन नाम आपके यही रहेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें ऊपर नीचे कर दिया जाएगा। तो नी एंड कॉलम, अकॉर्डिंग टू नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन, कॉलम टाइप मिलिंग मशीन में यदि हम बात करेंगे तो दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, इसी के अंदर हॉरिजॉन्टल के अंदर आपकी आ जाएगी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो ये कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन होती हैं जिसमें दो सब टाइप होते हैं और इनके भी टाइप्स होते हैं। फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन, अकॉर्डिंग टू फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन में तीन प्रकार की दी हुई है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स। ये हमारी मिलिंग मशीन होती हैं किसके आधार पर, फिक्स बेड टाइप के आधार पर, जिसका बेड है वो फिक्स रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट होती है प्लाइनर मिलिंग मशीन, प्लाइनर मिलिंग मशीन। तो ये हमारे मिलिंग मशीन के प्रकार या क्लासिफिकेशन है जो रहता है। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू डिप्लोमा एंड बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।